Hi guys, welcome to Anna's channel. And subscribe. आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पिकनिक मोइना का मौसी है एंड लव तो हम लोग सब यहाँ पर सब आ गए हैं. एवरी डे पिकनिक हो रहा है हमारा एक्चुअली एवरी डे. हाय गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. दिस इज मी एना हियर. तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मैं तो मोइना के फैमिली के साथ हूँ एंड एवरी डे हैज बीन लाइक अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस एंड हर दिन इतने सारे प्यार हर घर पे. मतलब आज लंच पे इधर आना, ब्रेकफास्ट पे इधर आना, डिनर पे आना, तो ऐसे ऐसे हो रहा है. एंड आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग क्योंकि ऑब्वियसली हर एक चीजें जो है ना बहुत स्पेशल है. सो मैं हर चीजें रिकॉर्ड कर रही हूँ सिंस मेरे लिए मेमोरीज भी बन के रह जाएगा. एंड यहाँ पर मामा मामी के घर, मौसा मौसी के घर, कल तो मामा मामी के घर गया था खाना खाने के लिए डिनर पे. तो ऐसे ऐसे करके अभी मौसा मौसी के घर पे आया खाना खाने. तो इट्स सो लाइक यू नो स्वीट एवरी वन ऑफ देम. लाइक दे डोंट हैव मच टू गिव बट स्टिल दे विल गिव देयर बेस्ट टू यू नो मेक मी फील हैप्पी एंड मेक मी फील स्पेशल. तो इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे. आई एम लाइक फुल ऑफ लव एंड ओवरवेल्म्ड हो गया मेरे लिए ये दिन जो है. एंड अभी अंदर सब लोग बैठे हैं सब एक साथ हर दिन. एंड कोई ना कोई कोई तो मोइना के फ्रेंड्स तो अपने जॉब से भी छुट्टी ले लिया मेरे लिए. लाइक इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है. इट्स बीन लाइक सो मच ऑफ ओवरवेलमिंग फॉर फुल ऑफ लव फॉर मी. तो चलिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ, अंदर चलते हैं. तो यहाँ पर घर के अंदर चलते हैं. अभी सब लोग खाना खा रहे हैं तो मैं भी खाना खाने चलूँगी, दिखाती हूँ आप लोगों को. ये है प्यारा सा मोइना के मौसी के घर. और चलिए चलते हैं, सबको हाई करते हैं. हेलो सब लोग, हाय. खाना खा रहे हैं, हम भी ज्वाइन करेंगे अभी. यहाँ पे सब लोग ऐसे चप्पल खोल के अंदर जाते हैं. हाय ना, हाँ कल मैंने भी देने के लिए भूल गई थी, आज लेकर आई है. थैंक यू सो मच, इतना प्यारा राबा. हाँ राबा मेकला मोइना का मामी है, मामी जी. देखिए कितना सारा आइटम बनाया. और ये देखिए क्या है, ये कुकन मस चटनी. थैंक यू, मेरा फेवरेट है. हेलो, ये नवंबर महीने बनाए आंटी ने बनाए. वाओ, सब लोग मिलके क्या क्या आइटम बना रहे हैं. सो स्वीट ऑफ देम सब लोग. मतलब हर दिन हमारा पिकनिक हो रहा है. थैंक यू ये देखिए मुझे इतना अच्छे से तैयार करके दिया है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से. ये राबा ट्राइब फ्रॉम असम, उनके ट्रेडिशनल अटायर है. एंड ये रूफान और ये कम्बू. अगर आप लोग कोई भी है फ्रॉम राबा ट्राइब तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं कैसे लग रही हूँ. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज एज वेल. यहाँ पर आके इट वॉज सो आई मीन अनएक्सपेक्टेड. मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे फ्रॉम राबा ट्राइब, फ्रॉम बोरो ट्राइब. इतने सारे प्यार मिल रहे हैं मोइना के सारे फैमिली मेम्बर्स, सारे खानदान. मतलब पूरा ऐसा लग रहा है मैंने एक को भी नहीं छोड़ा, सबको मिल गया जैसे लग रहा है. मोइना से कैमरामैन कैमरा गर्ल बिहाइंड, थैंक यू टू मोइना. मैं आई वुड रियली वॉन्ट मोइना एंड हर फैमिली एज वेल टू विजिट अरुणाचल प्रदेश. अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबको मैं बोल रही हूँ डू कम टू अरुणाचल एज वेल. और आई वुड लव टू गिव बैक द एक्सपीरियंस दैट आई हैव रिसीव्ड हियर, लव दैट आई हैव एक्सपीरियंस हियर. तो मोइना कब आएगा? तो अभी 2025 ना, नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर, हाँ ठीक है. तो आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी. चलिए अभी हम लोग जाएंगे विशाल मार्ट जाएंगे. इट्स टाइम फॉर मी टू एज वेल सरप्राइज ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर्स. थोड़ा छोटा छोटा गिफ्ट मेरे साइड से बिफोर आई लीव, क्योंकि परसों मैं निकल रही हूँ यहाँ से. तो मैं चाहती हूँ कि उन लोग भी मुझे कुछ एक गिफ्ट मेमोरीज के तौर से टोकन ऑफ लव एज ए प्यार ना यू नो मैं भी देना चाहती हूँ. तो मोइना विल हेल्प मी ऑफ कोर्स ना, विशाल मार्ट लेके जाएगा. So, let's go. Okay. Bye bye. Bye bye. Kali pande kali. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Moha mahi. 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 Thank you de moi to dui plate bat khai kine goy asu. Ako lok pam kali. Ako ahiba. Obo obo kali ahi. Okay. Tata. Bye bye. Itna zyada khana kha ke abhi main yahan se nikal rahi hu Moina ke sath mein.
मोइना मुझे लेके जा रहे हैं। मोइना कम, माय सिंपल ड्राइवर, सिंपल ड्राइवर, लेट्स गो। अभी हम जा रहे हैं गिफ्ट्स खरीदने के लिए, चलो लेट्स गो। गाइस हम लोग अभी विशाल मार्ट में ब्लॉग करने ही भूल गया था, बट हमने सब सामान ले लिया है फॉर आई थिंक 12 टू 13 फैमिली। मोइना के सब कजिन रिलेटिव जितने भी हैं, मामा मामी सब चाची, सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, देख लेगा। हाँ देख, हाँ हाँ अभी बिलिंग कर रहा है, सबको क्या। यहाँ एक मिक्सर, यहाँ पे डाइनिंग सेट, डाइनिंग सेट, यहाँ पे डिनर सेट, अ लॉट मोर स्टफ, बहुत कुछ लिया। टी सेट, बहुत कुछ लिया। ये क्या बोला? बिलिंग भी हो गया, अभी सब सामान लेके जा रहे हैं। फीलिंग सो हैप्पी। ये कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट सबके लिए लिया है। या चलो अभी तो रात का 9 भी बज गया है, यहाँ से निकलना है। ये रहा विशाल मार्ट और यहाँ पर हम पूरा लोड कर रहे हैं कार पे, पूरा लड़की पार्टी। हम लोग 1 2 3 4 5 हम लोग 5 लड़की आए हैं पूरा मार्केटिंग करने। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग उठे सुबह के 5 बजे और अभी तैयार हो गए हैं, सामान वामान पैक कर लिया। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक गांव पे लेके जा रहे हैं, राभा गांव। मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ। इट्स गोना बी सो नाइस टुडे, क्योंकि पूरा गांव का एक्सपीरियंस होने वाला है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में पूरा चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है, इतना मज़ा आ रहा है। लेट्स गो सिंपल ड्राइवर, आई लव यू लव यू लव यू, लेट्स गो। इतना एनर्जी और जोश के साथ हम निकल रहे हैं यहाँ से सुबह सुबह। तो हमने सामान ले लिया, मिठाई विठाई बहुत कुछ लिया है, तो 4 फैमिली के लिए लिया है, 4 बाग कर रहे हैं। तो गाइस हम पहुँच गए बोर पत्थर गाँव, अभी पहले घर आए हैं, जेती जी है। कितना प्यारा है ना, ट्रेडिशनल घर असम में ऐसा होता है, घर जो है ना, ये देखिए पूरा ऐसा मिट्टी का, मिट्टी का काउडंग और मिट्टी से लिपाई करता है ताकि बहुत मजबूत हो घर जो है, एकदम ऑर्गेनिक, बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल के जमाने में मतलब दिस थिंग इज थोड़ा थोड़ा खत्म होते जा रहे ना, तो गांव-गांव में जाने से मिलता है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे गांव में आने के लिए। हेलो हेलो गाइस, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ में ना मुझे गांव में, आप लोगों को पता है मैं तो जितना भी कंट्रीज, बाहर कंट्री, इंडिया में कोई भी ट्रैवल करती हूँ, कहीं में भी हाई फाई जगह ट्रैवल करती हूँ, बट अंदर में तो मैं एक गांव की लड़की ही हूँ। क्योंकि ना मुझे, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ, एकदम गांव विलेज स्टाइल से पली बड़ी हूँ। छोटा में मैंने बताया था आप लोगों को हाउ माई मॉम एंड डैड स्ट्रगल्ड, आज जो हमारे जो थोड़े बहुत मतलब लाइफ अच्छा हो गया है बाय गॉड्स ग्रेस, तो उसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मतलब सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे से रहते हैं, ऐसा लगता होगा। बट जो भी हो, बचपन का जो भी स्ट्रगल्स हैं मॉम डैड का, हमको जैसे बड़ा किया तो हमको गांव में ही पले बड़े किए हैं, और इसीलिए मैं अंदर से एक गांव वाली लड़की हूँ। तो इसलिए मुझे ना गांव जब भी आता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट आता है, क्योंकि ऐसे बचपन की यादें आ जाती है। वाह एक दिन, बापरे ओतेंगा कहाँ है, ओतेंगा, ओ बापरे ओतेंगा का पेड़ है। यहाँ देखिए ओमा है, ओमा ओमा कितना प्यारा है, पुकार देखो इसका, ओले कुची पुची, इसका पुकार देखो, अयो इतना प्यारा है, कितना प्यारा है ना डक्स, इतना प्यारा है। हेलो ओमा, हेलो ओची पुची कुची पुची, इतना प्यारा है। हाय गो मुन्नी मुन्नी मुन्नी, इतना प्यारा है। हाय गो, इसके घर भी है देखो, ये इसके घर है। ओनली 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 कुली, इतना प्यारा है। हाय गो करिश्मा तो आज फुल ऑन सिंपल मॉडल बनने में एकदम एक्चुअली मैं ना करिश्मा और पोम पोम, आई होप इनके ऑफिस वाले लोग नहीं देख रहे, दोनों ना 3 दिन से बीमार पड़ा है मेरे लिए
मेरे लिए छुट्टी ले लिया उन लोग, बीमार बोल दिया खुद को। इतना प्यारा है मोइना का बेस्ट फ्रेंड्स, चाइल्ड हुड फ्रेंड्स, दोस्त मिले तो ऐसा। ऑफिस से छुट्टी ले लिया 3 दिन के लिए। तो गाइस हम घूम फिर के आ गए हैं और जेती जी बोल रहे तामुल खाएगा क्या, और मेरे कैसा तामुल को मना कर सकती हूँ। और वो अपना तामुल निकाल रहे है, यहाँ से ऊपर सुखा के रखिए, ये देखिए। ओले मन मोरम दे, ये तो अपना तामुल बा दे, मुझे 2 पीस खाम दे। मास लगी हुआ आई डोंट हैव ए ग्रैंड मदर ना, तो इतना मोरम लग रहा है, ग्रैंड मदर जैसा फीलिंग आ रहा है मेरे लिए। तामुल चिल रही है, ये देखिए तामुल इतना ज्यादा मिल गया मेरा आज का दिन के लिए, धन्यवाद। गाइस आप लोगों को ये ट्रेडिशनल प्यारा सा किचन जेती जी का दिखाते हैं, कितना क्यूट है ना, अंदर चलिए देखते हैं। तो ये है किचन, कुछ ऐसा दिखता है, ये आग में बनते हैं खाना इनके। और ये म्याऊ है, म्याऊ ठंडा लगे से। और ये है उनके पाक घोर बोलते हैं, पाक घोर ना मतलब असमिस में, पाक मतलब खाना पकने वाला और घोर मतलब घर। और ये है जका, इससे मछली पकड़ते हैं। सेपा ना, ये सेपा है, ये भी मछली पकड़ने का। ओ सेपा, मछली पकड़ने का। और इसमें राइस बियर बनाते हैं, इसमें राइस बियर, वाह जुंगा बोलते हैं इसको, इसमें राइस बियर बनाते हैं। और यहाँ में भी कितने सारे स्टोर करके, ये आजकल मिलने का मुश्किल है, बहुत पुराना स्टाइल में है मतलब ये ना, तो आजकल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। ये भी मछली पकड़ने वाला। और ये देखिए ऐसा, ये है उनके किचन का दौर है, ये बम्बू से बनाया, देखिए आग जला के बैठे हैं। और ये लाल चाय, हम लोग यहाँ पर ब्लैक टी बहुत पीते हैं, यहाँ पर असम में भी ब्लैक टी बहुत पिया जाता है। भाभी जी थैंक यू, धन्यवाद। देखिए बिस्कुट और सा, जेती जी बोला शी वेंट मुंबई एंड 7 मंथ्स रहा बोला, वहाँ पे काम करती थी। अमिताभ बच्चन का घर भी देखा बोला, शी सो एक्साइटेडली टेलिंग अस द स्टोरीज हर ट्रैवल जर्नीज ड्यूरिंग दोस डेज, मतलब 2000 कितना में गया, 10 ना, अच्छा इट्स बीन 13 इयर्स शी इज बीन देयर। तो आई एम एक्साइटमेंट, दाम भी सीवा, दाम भी बेसी ना, एक तक नहीं बागुन ये तोस्ता का इतनी सुनी, सो क्यूट। हाय गाइस, मैंने ये रहबा ट्रेडिशनल अटायर पहना, ये देखिए, ओह माय गॉड, मैं खुद को लग रही हूँ कि मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लग रही हूँ। दिस इज प्रॉपर राभा ट्रेडिशनल अटायर। राभा ट्राइब जो है असम का वन ऑफ द मेजर ट्राइब है। एंड ये जो ऑर्नामेंट्स, ये देखिए मुझे मोइना ने गिफ्ट किया, थैंक यू मोइना, दिस इज सो ब्यूटिफुल। राभा ट्रेडिशनल ये है ऑर्नामेंट्स है। एंड इसमें ये जो है यहाँ पर, ये देखिए ऐसा लगा के जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। अभी ये पहन के हम लोग जाएंगे ये पूरा गांव घूमने के लिए, और भी घर से घर जाएंगे पोम पोम के कजिन्स लोगों को मिलने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस डे। ऑल्सो गाइज, दिस वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट पोम पोम एंड हर फैमिली, थैंक यू सो मच पोम पोम के मम्मी पापा ये पूरा सेटअप पूरा रेडी करने, क्योंकि उन्होंने कॉल किया एंड दिस इज पोम पोम्स गाँव, तो पोम पोम के बिना नहीं होता, तो थैंक यू सो मच टू पोम पोम, थैंक यू पोम पोम, पूरा तैयार कर दिया हमको। एंड दिस इज पूरा पोम पोम का अटायर, उसने पूरा तैयार कर दिया मुझे। थैंक यू, नजर टीका लगा दिया, वो भी आग से निकाल के, देखा देखा बड़ा वाला। तो गाइस हम पहुंच गए सेकंड घर, चलिए चलते हैं अंदर। हेलो ये तुम्हारा पोम पोम का अनदर जेती जी, आज पूरा पोम पोम का पूरा गांव में सब फैमिली को मिलने आया। हेलो जेता जी, भालना अन्यो इमान मोरम, आशीर्वाद दिबे दे मके। ओले के कांदिसो कांदिसो निके कांदा नाय, ओले न मोरम की करे आस, ओय गाहुरी आथा दिबे लगे बोली, गाहुरी कोते गाहुरी, ओय तते गोय आसो निके, चल चल मोय बिचाम, ए गाहुरी दाना, ए ओमा के खाना खवाबो, चल चल मोय बिचाम। जेता जी खाना लेके जा रहे हैं गाहरी लोग के लिए, तो मैंने बोला मैं भी देखूंगी क्योंकि मुझे पसंद है ना ओमा,
चलिए उधर तो बड़ा वाला है उमा, बहुत फुर्ती, उसको पता चल गया खाना लेके आ रहा है तो वो पूरा खुर 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 कर रहा है। ये देखिए बहुत बड़ा है, ये देखिए कुआं से पानी निकाल रहा है। ओ पानी मिक्स करेगा इसमें, भूसी है ना भूसी, ये तो मात्र भूसी नहीं की नहीं हो बात भी ऐसे आमी जी मौत खाओ मौत खाओ। ओ ये तो भात तो ओ ये मिक्स कर रहा है अभी पानी, इसको ऐसा मिक्स करके ओ उधर गाहरी है उसको देगा। ओहो बात खबी दे ओमा कितना प्यारा है, ओ बाबा कितना प्यारा है। हेलो गाहरी हांस मुर्गी सब पसंद है मुझे, ऐसे गांव में फार्म हाउस लाइफ ना बहुत पसंद है ऐसा, इसलिए मेरा मम्मी भी बहुत ये सब पसंद करती है और मेरा पापा भी, पापा मम्मी दोनों को ना ऐसा गांव बहुत पसंद है, शांति है ना सुकून है। तो गाइस अभी हम आए हैं ये मौत बोना घर बोलते हैं, मतलब असम इसमें मौत मतलब दारू और बनाने वाला घर, मतलब दारू बनाने वाला घर है। तो यहाँ पर भी बहुत ऐसा होता है लोग, मतलब जब जब फेस्टिव सीजन होता है तो उस समय ये वाला दारू जो है इनके लोकल है तो घर पे बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं दिखाती हूँ, आइए। हेलो जेती जी, ये तो आपने कोई दिया ना कहने का बोना है तो इतु हाँ इतु अमी आगोते हरी बहाई दें हाँ तार पिसोट अमी ये जी अमी मोड पुली को इतु अमी यते दियो दिया की ना इता अरे इतु बहाई दियो तार पिसोट अरे यार ऊपरोट पानी दियो तार पिसोट इतु अमी बोतल तो पाती थो एकता एकता उलाई ना हाँ एकता एकता उलाबो इतु अमी बोतल को ये लोम मारो जेने बा एक बोतल किमान टाइम लगे उल्ला बोले इता 15 मिनट मान लगे 15 मिनट लगता है एक बोतल कलेक्ट करने के लिए। फिल्टर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग से बन रहा है ये, इसके बाद ये लिपाई किया मिट्टी से फिर लिपाई किया फिर याद की बात ऐसे नहीं की नॉर्मल चावल जो होता है वही है उन लोग का लोकल चावल जो है उसमें है ये देखिए हैंड पंप, आपको हर असमी घर में देखने को मिलेगा ये हैंड पंप। तो गाइस ये देखिए अभी हम ये देखने आए हैं, जोतर बोलता है इसको, जो मैं पहनी हूँ ना मिथिला, ये जो मतलब ऐसा हम लोग तो मिथिला बोलते थे, मिथिला बोल रहे हो मिथिला और रूफान ना रूफान रूफान ये जो पहना है ना वो ऐसे बनने का प्रोसेस ऐसा होता है, ये चक्रा ऐसे ऐसे करके ना बोना। तो ये देखिए गाइस ऐसा होता है जो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनता है ना, हाथ से बनता है, तो ये जो बहुत मेहनत लगता है 2-3 दिन लग जाता है ना एक बनने में, तो ये जो इसको हैंडमेड रूफान बोलता है और इट कॉस्ट अराउंड 1000-1200 रुपीज। लेके जाते हैं तो धान यहाँ से लेके जाते हैं, ये देखिए बास्केट में मतलब एने का दिखाई दे अपना, तो यहाँ पर धान है ये जो खेत से लाया है धान निकाल के, वो है पासी पासी कोई ना पासी। और ये पासी में ना देखिए इसमें भी मिट्टी का लिपाई किया है ताकि और मजबूत रहे ये, है ना, इसको लेके फिर वो साल भर का जो धान का स्टोर हाउस है उसमें डाल देते हैं। तो चलो ना जामने तो ऐसे करके लेके जाते हैं और फिर ये वाला जो घर है ना ये है धान बोराल, धान बोराल मतलब जो असल में धान का जो घर है वो है, तो यार दरवाजा भी नहीं है देखो, ये एकदम सेफ हाउस है, ये जो छोटा सा विंडो है इसमें इसको खोल के फिर उसमें भर के रख देते हैं, तो साल भर के लिए सॉर्टेड है उन लोगों का राइस जो है। तो गाइस अभी हम आए हैं पोमपोम के थर्ड फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, थर्ड फैमिली मेंबर हाउस पे और ये है पोमपोम के आबू के घर पे मतलब ग्रैंड मदर के घर पे, चलिए मिलते हैं उन सबसे। एंड एज यू गाइस कैन सी सबके घर थोड़ा सिमिलैरिटीज है, सब आसाम टाइप घर है बहुत দুনিয়া লাগিছে তো ভাল খুব ধুনিয়া ধুনিয়া না
तो गाइस अभी पता चला है कि ये अबू ना ग्रैंड मदर ऑफ पोपम शी इज मोर देन 100 इयर्स और इट्स सच अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी विद हर उसको ब्लेसिंग लेने के लिए वो ये तामुल पीस रही है ये देखिए खुद के लिए वो तामुल छोड़ा नहीं अभी तक और उसका एक ई कर भी ना ई ई ई एक भी दांत नहीं है हर खाना भी वो ग्राइंड करके खाती है और तामुल भी ग्राइंड करके खाती है इतना फिर भी खुशी है एकदम खुशी है हेल्दी एंड हैप्पी ये कैसा उन लोग ये ट्रेडिशनल उस समय का जो वाइन है वो करते हैं और मैंने ये जो लगाया है ये उनकी ऑर्नामेंट है ये देखिए वो निकाल के ना मुझे पहना है ये ओरिजिनल है और उसने भी ये जो पहन के रखे ना ओरिजिनल है अप्रोक्स 80 इयर्स पुराना है ये ऑर्नामेंट जो है उनकी सोच के देखिए कितना पुराना है इसकी कोई कीमत ही नहीं है मतलब इतना पुराना है मतलब एंटीक पीस है बहुत और मैंने जो पहना ये तो अभी मतलब जो है वो लोकल दुकान में जो मिलते हैं वो है बट स्टिल इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज गिफ्टेड बाय मोइना सो या अभी अब तू कहने का कोरे तो आपने कोई दिया ना तर मने इटा माखे हां हड्रान दीना हां इटा फाटोटे माखबो फाटोन माखिना उसने बोला कि वो जो दवाई है ना व्हाइट कलर का उसको राइस में ग्राइंड करके से डाल दे और माखिना एक फोड़ाबो यार फोड़ना है रे इसमें ऐसे डाल दिया ये राइस है और वो जो ग्राइंड किया उसमें फर्मेंट किया पूरा फर्मेंट करके निकला तो ये राइस बियर जो हम भी खाते हमारे अरुणाचल में भी बनाते हैं राइस बियर वेरी सिमिलर बट टेस्ट तो थोड़ा सा अलग होगा ही क्योंकि बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना ऐसा है तो अभी हम टेस्ट करेंगे खाई दिखाओ ओ ऐसा करके ओ बाप रे वाह 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 ऐसा करके पीते हैं निकाल के मजा आ गया अभी तो बढ़िया बढ़िया ये देखो यहाँ से ऐसा करके ऐसा निकाला और यहाँ में सर्व किया ये है गाइस बियर मैं थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कैसा है मतलब अरुणाचल से सिमिलर है कि नहीं टेस्ट जो है ना वो बहुत प्लेन है मतलब बहुत प्लेन है अरुणाचल का और ज्यादा वो होता है व्हाइट होता है कलर जो और इवन नागालैंड का भी राइस बियर जो एकदम व्हाइट कलर का होता है ये बहुत प्लेन कलर का है और दोनों का आशीर्वाद लेके जा रही हूँ बाय बाय ये देखिए मुझे ये दिया लोकल वाइन बाय बाय अन्यो बाय बाय मोरम दे अरुणाचल आहिबे दे टाटा बाय बाय जय से दे बाय बाय हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सबको बाय बाय बोल के थैंक यू सो मच थैंक यू दे मैना को भी मिल रहा सबको सबको ओके धन्यवाद टाटा तो गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस मोइना के घर के और इट वॉज सच अ लवली एक्सपीरियंस सबसे मिलके गांव में आके ऐसा होता है ना गांव के बुजुर्गों से मिलके और भी ज्यादा दिल हल्का हो जाता है इतना सारा प्यार मिला यहाँ से गाइस मोइना हम दोनों आए हैं कहाँ है पापा मम्मी के ऑफिस में सरप्राइज विजिट कर मोइना का मम्मी पापा यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पे जॉब करते हैं हाय अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस हाय बोलने आए थे टाटा किसी को बीएड डीएलएड करना है तो आ जाओ हाँ यहाँ पे आ जाओ ये है ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट पापा को कॉन्टेक्ट करो हाय गाइस अभी हम आ गए हैं करिश्मा के घर पे जो कि मोइना की चाइल्ड फ्रेंड है ब्लॉग में आप लोग ने देखा करिश्मा इनवाइटेड फॉर अस फॉर लंच तो ये देखिए हमारा थाली खाना का ओह माय गॉड एवरीडे इतना ज्यादा खा रही हूँ इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है हर घर से आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ लकी एंड हैप्पी आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरी पर्सन सो या दिखाती हूँ सबसे मिलाती हूँ वाह कितना टेस्टी बनाया रे हम तो खाना खत्म कर दिया ये देखो मेरे सीधा सीधा है करिश्मा की मम्मी और करिश्मा हेलो धन्यवाद दे बहुत टेस्टी खाई सू 2-3 प्लेट खाया हम
पूरा क्लीन पूरा क्लीन। ये देखिए इतना ज्यादा खाया मोइना। मोइना बिजी है खाने में, लिसन मत करो प्लीज। और ये कुक कुक एकदम ए टू जेड, सो टेस्टी, बहुत बहुत अच्छा लगा। लड़का है तो दे दो, बोल के दे दो। सिंगल है थोड़ा रिश्ता भेजिए। सिंगल है, रिश्ता भेजिए, पूरा खाना वाना सब बनाने आता है। लेकिन जॉब करता है ऐसे मत देखो, जॉब करता है ऑलराउंडर ऑलराउंडर डे। ओके सी यू गाइस लेटर, हम लोग गारो हिल्स जाएंगे खाना खाने के बाद। बाय बाय आंटी, बाय बाय करवी, बाय बाय। थैंक यू धन्यवाद। ये करिश्मा का मम्मी लाल कलर मेरा पास तो पूरा कलेक्शन हो गया अभी, राधा अटायर दुखनार बोरो अटायर पूरा कलेक्शन हो गया अभी तो। मैं जाते जाते मेरे पास 5-6 जैसा हो गया है शायद, इतना खुशी लग रहा है। तो हाय गाइस, ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। आंटी ने अभी जो गिफ्ट दिया मैंने पहन लिया है, कैसा लग रहा है जरूर बताना कॉमेंट में। आंटी ने भी ड्रेसअप कर लिया है मेरे साथ, हमने फोटोज भी निकाले। अभी यहाँ से हम निकल जाएंगे और गारो हिल्स गए ऐसे नहीं, हाँ हम गारो हिल्स जाएंगे मतलब टच करेंगे, क्योंकि बॉर्डर है ना यहाँ से बस 6 किलोमीटर अवे है। तो यहाँ तक आए हैं तो गारो हिल्स भी जाएंगे, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में बहुत लोग ने बोला है कि गारो हिल्स जाना चाहिए। तो चलिए लेट्स गो। हम लोग ड्राइव करते करते गारो हिल्स पहुंच गए। ये देखिए ऊपर हिल्स है, बढ़िया। मोइना हाय, रुको हिल में चला रहे आगे नहीं साइड में देख सकते हैं। हाय गाइस, अभी हम लोग असम और मेघालय बॉर्डर क्रॉस करके मेघालय अंदर आ गए हैं और गारो हिल्स में आ गए हैं। इट इज सो नाइस, मैंने ना बचपन से सुनते आ रहे हैं, व्हेन आई वाज इन क्लास 11 मैंने वंगला डांस किया था, व्हेन आई स्टडीड इन केईए स्कूल, तो वहां पे मैंने वंगला डांस किया था और उस समय से आई हैड सम गारो फ्रेंड्स, तो गारो हिल्स बहुत सुनती थी। तो अभी मैं फाइनली गारो हिल्स में आई हूँ, इट्स आई एम फीलिंग सो गुड। यहाँ से देखिए पूरा व्यू ऐसा है, या देखिए पूरा नीचे मैं गारो हिल्स में हूँ, यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू, इतना फ्रेश है एंड इट्स सो क्लीन, मतलब इतना क्लीन है, कचरा वचरा फेंका फेंकी नहीं। यहाँ पर भी देखिए ऐसा बास्केट बना के रखा है, विच इज सो गुड, यू नो, बहुत बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू गाइस कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए कि गारो हिल्स जाना घूमने के लिए, क्योंकि बॉर्डर में पड़ता करके एंड इतना सामने है ना, तो इसलिए मैं भी आ गए। एंड थैंक्स टू मोइना ऑल्सो, वो बोल रही थी तुम यहाँ तक आए हो तो गारो हिल्स भी जाना चाहिए, कमेंट में पड़ा था समवन वाज सजेस्टिंग बोल के, तो शी ब्रॉट मी हियर ऑल द वे हियर ड्राइव करके। तो एनीवे लेट्स गो बैक, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अंधेरा भी हो गया। ये देखिए कितना सुंदर से सिटिंग अरेंजमेंट्स करके रखा है, यहाँ पे लोग आते हैं व्यू पॉइंट एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे डस्टबिन बना के रखे हैं एंड यहाँ पर ऐसा झूला वगैरह बना के रखा है, सो नाइस। आज का व्लॉग खत्म कर रहे हैं, लेकिन खत्म करते करते सबको प्यार दे के खत्म करूंगी। ये सरप्राइज गिफ्ट है, छोटा सा गिफ्ट है फॉर पॉपीज मॉम, उसने इतना प्यार से मुझे, मैंने सरप्राइज विजिट किया था अर्ली मॉर्निंग एंड उसने मुझे आलू भाजी मेरा फेवरेट और बोरा भात विथ सिसमे सीड इतना प्यार से खिलाया था, विच आई कुडंट व्लॉग एज वेल क्योंकि वो सरप्राइज था, मतलब अर्ली मॉर्निंग में गई थी। एनी विशेज हेयर तो मैं उसको देती हूँ, कल सुबह में जा रही हूँ ना तो सबको छोटा छोटा गिफ्ट देके जा रही हूँ। आलू भाजी आलू बोरा भात खाओले, धन्यवाद। খানা খাই গা আমি
ইয়াতে ভাত খাবি আন্টি মনত করবি হব দে সদায় মনত করিম কেনে হবে খাই খাই गाइस फाइनली मोइना हम दोनों घर पहुंच गए, सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं। ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लंबा हो जाना था, क्योंकि 13 घर पे जाके हम लोग वैसे मोइना के घर पहुंच गए, यहाँ पे ब्लॉग खत्म करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, पीछे सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल रात वीडियो एंडिंग करने भूल गया क्योंकि मेरा थोड़ा थकान हो गया इसलिए सो गया, लेकिन अभी एंडिंग कर देता है। आज ये वीडियो जो है सेकेंड लास्ट वीडियो है, मैंने आज हम जा रहे हैं, आज हम बाय बाय कर रहे हैं, आज लास्ट ब्रेकफास्ट सबके साथ में। सुबह 5 बजे उठा था एक्चुअली, अभी हम जाएगा एक राभा वेडिंग, मेरा सब्सक्राइबर ने इनवाइट किया है, राभा वेडिंग अटेंड करने के लिए जाएगा। तैयार होगा सुबह 6 बजे उठ के तैयार हो गया, लेकिन मेरा लेटरिन ही नहीं रुक रहा है, लेटरिन 3 बार गया, लूज मोशन हो गया मेरा। खा के হলে মানে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো খাম, মানে পেটটো বিয়া হলেও খাম, কেলে এইটো লাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট, তো খাকে আমি হাম তৈয়াৰ হ'গা, ৰাবা ৱেডিং যায়গা, ফিৰ বাই বাই হ'গা, ও দুসৰা ব্লগ হ'গা, তো ইয়াৰ পে সবকে সাথ মে ব্লগ এণ্ডিং কৰেগা। ব্ৰেকফাষ্ট আমি কিয়া খা ৰা হ্যা মাহি, ইয়ে লাউকা সবজি মেৰা ফেভৰেট বনায়া, লাউকা সবজি আৰু ইয়ে ঘৰ মে থোৰা মিডিয়াম স্পাইচি খাতে, লেকিন হাম জব সে আয়া না এক্সট্ৰিম স্পাইচি বনা ৰা হ্যা মেৰে লিয়ে। और ये अंडा और टोमेटो ये देखिए, थैंक यू। और ये ब्लैक टी, असम ब्लैक टी, ये केतली में मेरे लिए गरम पानी, ठीक है। अभी हम एंडिंग करेगा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर वेट करना क्योंकि राभा वेडिंग मेरा पहली बार होगा अटेंड करने वाला, वो भी मेरा सब्सक्राइबर को मिलने जाऊंगी मैं, बहुत मतलब बहुत पुराना सब्सक्राइबर है वो। ये देखो मेरा मोइना तैयार है, आज मोइना को थोड़ा टचअप दिया हमने, ग्लो कर रहा है, देखो सुंदर लग रहा है, ऐसे भी ऐसे ही सुंदर है आज, थोड़ा और बेलेक लगी से और सुंदर लगी से। चलो चलो एंडिंग करेगा व्लॉग ना, चलो ये पकड़ो, चलो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मोइना बोलो सब्सक्राइब।